गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम। तो होप सभी लोग का दिन अच्छे से जा रहा होगा। मैं भी जस्ट थोड़ी देर पहले ही उठा और अभी इस वक्त शाम के 5 बज रहे हैं और अभी मुझे बहुत सारी भूख लगी थी। तो अब जो है ना, मैं लंच में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या ले रहा हूँ, बिकॉज़ मुझे एक डाइट अच्छी चाहिए। जिम करने से पहले एक अच्छा सा सोर्स लेना ज़रूरी होता है। थोड़ी देर बाद अभी मैं प्री वर्कआउट लेके फ़ौरन जिम जाऊँगा। तो उसमें मैंने 2 पूरे अंडे, साथ में दाल और 2 रोटी, वो भी घर वाली, और ये मेरा छोटा भाई। तो अभी मैं इसको जल्दी से ख़त्म कर लेता हूँ। तो आप लोग सोच रहे होगे कि मैं इतना लेट क्यों वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब मीन्स के व्लॉग इतना लेट क्यों कर रहा हूँ। उसका एक रीज़न था, क्योंकि मैं पिछले 3 दिन से एक चीज़ का वेट कर रहा था, तो फाइनली जाके आज मुझे मिली है। तो वो ये चीज़ है, ये जो आप लोग माउंट देख रहे हैं पीछे, ये माउंट लगा हुआ है। इस चीज़ का जो है ना, मैं काफ़ी टाइम से, मतलब 3 दिन से ऑलमोस्ट वेट कर रहा था, तो ये फाइनली मुझे आज जाके चीज़ मिली। इसके अंदर क्या है कि ऊपर की तरफ जो मेरा माइक है, ये ऊपर इसके ऊपर एक ऑप्शन होता है, यहाँ पर एक लगाने का, माइक लगाने का, तो अलग से एक ऑप्शन होता है। तो जो नॉर्मल माउंट आते हैं उसके ऊपर ये वाला ऑप्शन नहीं होता, तो इस वजह से मैंने इसलिए ये चीज़ ऑर्डर दी थी डरास के ऊपर, तो फाइनली मुझे आज जाके मिली है। तो ये काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसके अंदर हम माइक को भी ऊपर से एक अलग से अटैच कर सकते हैं, नीचे हमारा ट्राइपॉड भी लग जाता है। और ये एक और ऑप्शन है इसका, मुझे आई थिंक पता नहीं है किस चीज़ का ऑप्शन है, बट काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। तो इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप लोग भी इस चीज़ को परचेस करना चाहते हैं, मैं तीनों चीज़ों का कर दूंगा। तो अभी थोड़ी देर बाद ही बस मैं निकलने वाला हूँ जिम के लिए। मैं अपना पोस्ट और प्री साथ ही लेके जाऊंगा, बिकॉज़ मैं वहीं पर ही जो प्री वर्कआउट होता है मैं वहीं पर ही लेता हूँ। तो मुझे ट्रेनिंग में असल में एक्चुअली लेट स्टार्ट करता हूँ, तो इस वजह से मैं वहीं पर ही ले लेता हूँ, ताकि एक टाइम होता है कि आप जो है ना तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पहले प्री वर्कआउट ले लो, ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए और आपको अच्छी एनर्जी प्रोवाइड करे। वरना एकदम आप अगर पहले आधा घंटा पहले ले लोगे तो वो एकदम पेट भारी भारी रहता है, फिर ट्रेनिंग भी नहीं अच्छी हो पाती, फोकस भी नहीं रहता है, सारा जो फोकस रहता है वो आपके पेट पे रहता है कि यार पेट भारी भारी हो रहा है। और तो इस वजह से मैं 1 से 1.5 घंटा पहले अपना प्री वर्कआउट ले लेता हूँ। Turning off my
फाइनली अभी अभी मेरी ट्रेनिंग ख़त्म हो गई है। अभी मैं ऑफिस में इसलिए आके बना रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर जो एक सॉन्ग चल रहा है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वीडियो पे कॉपीराइट आए, तो इसलिए मैं इधर आ गया हूँ और काफ़ी सारा थक चुका हूँ। अब मैं अपना पोस्ट वर्कआउट लेने लगा हूँ, पोस्ट वर्कआउट लेके और मुझे फिर बहुत सारी भूख लगी है, फिर मैं घाट जाके कुछ खाऊँगा। सो गाइस, आज का जो वर्कआउट कम्प्लीट हो गया, बिकॉज पूरा शोल्डर लगाया था हमने, मैंने भी किया, मोहम्मद हसन भी ने किया, और जो मेरी वीडियो वो मेरे चैनल पे आएगी, इनकी जो वीडियो इनके चैनल पे आएगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप लोगों को मेरी जर्नी पे इसी तरह सपोर्ट करनी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा देना, और साथ में टू सब्सक्राइब माई चैनल। हाँ, भाई का भी चैनल है, इनको भी सब्सक्राइब करना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।